राजस्थान के विधायकों की सैलरी और पेंशन अब दोनों हर साल बढ़ेगी। इसकी घोषणा सोमवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में बजट पास होने के पहले फाइनेंस और एप्रोप्रिएशन बिल पर हुई बहस का जवाब देते हुए दी। सीएम भजनलाल ने कहा कि इसको लेकर कई विधायकों और पूर्व विधायकों ने वेतन और पेंशन को लेकर उनसे आग्रह किया था। वहीं जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों की तरह ही अब हर साल विधायकों को पैसे बढ़कर मिलेंगे। वहीं अभी ये साफ नहीं है कि हर साल विधायकों के वेतन और पेंशन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ सभी चीजों को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 10% की बढ़ोतरी हर साल हो सकती है। वहीं वर्तमान में विधायकों की सैलरी देखें तो करीब 40,000 रुपए है और साथ ही इन्हें भत्ते के रूप में लाखों रुपए भी मिलते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि मौजूदा समय में राजस्थान के विधायकों की सैलरी और भत्ता आखिर कितना मिलता है। तो मौजूदा समय में एक विधायक की सैलरी 40,000 रुपए है। इसके साथ ही उन्हें 70,000 रुपए निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता, साथ ही 2,000 रुपए विधानसभा या कमेटियों में शामिल होने का भत्ता, 2,500 रुपए राज्य से बाहर बैठक होने का भत्ता, साथ ही 30,000 रुपए सहायक कर्मचारी रखने का भत्ता और साथ ही 2,500 रुपए टेलीफोन भत्ता मिलता है। वहीं सबके अलावा कुछ और सुविधाएं भी सुविधाएं हैं जो विधायकों को मिलती हैं, जिनमें निर्वाचन क्षेत्र में घूमने के लिए 15 दिन के लिए फ्री सरकारी वाहन, सरकारी वाहन नहीं लेने पर 45,000 रुपए प्रति महीने मिलते हैं। इसके साथ ही जयपुर में आवास की सुविधा, सालाना 3,00,000 रुपए तक की हवाई रेल यात्रा सुविधा और साथ ही प्राइवेट वाहन से यात्रा करने पर 10 रुपए प्रति किलोमीटर की दर पर पैसे दिए जाते हैं। वहीं विधायकों को 80,000 रुपए तक का फर्नीचर की सुविधा और हर विधायक को एक साल में 5 करोड़ रुपए तक के विकास काम करवाने का अधिकार है। इसके साथ ही पूर्व विधायकों को 35,000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन मिलती है। 5 साल के बाद जितने साल विधायक रहे उसके बाद हर साल के 1,600 रुपए जोड़कर पेंशन मिलती है। साथ ही पूर्व विधायक के निधन के बाद उसके परिवार वालों को पेंशन का प्रावधान है। वहीं पूर्व विधायक की उम्र 70 साल होने पर 20% की वृद्धि और 80 वर्ष के होने पर पेंशन में 30% की वृद्धि की जाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।